आज का हमारा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच टू एन ऑब्जर्वर हैविंग अ क्लॉक विद हिम विद रिस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजिशन डिस्प्लेसमेंट एक्सलेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ, एक्स वाई जेड के बारे में आपने पढ़ा होगा, और साथ में हम इसमें टाइम को भी इंक्लूड करते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के बारे में बताता है मूविंग ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो तरह की फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहती है। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होती है जिसमें आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड है। न्यूटन जो आपने लॉ पढ़ा हुआ है, नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा आपने, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपका वैलिड रहता है। और इसके अंदर हम उन ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जो या तो रेस्ट में है या एक बराबर स्पीड से चल रहे हो, जिनकी वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म रहती है। उस तरह की फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी कैसी होती है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी आती है आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जिनमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपका वैलिड नहीं है। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता है और ये आपकी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहलाती है। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि इसमें आपकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है, कि आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, बार बार चेंज होती रहेगी। इसमें आपके पास, जैसे आप बात करते हो अर्थ की रोटेशन की, तो अर्थ लगातार रोटेट कर रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब अर्थ रोटेट करती है और आपकी साथ में क्या है, वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो इसकी हम इसको कहते हैं कि अर्थ इज एक्सेलरेटेड। अर्थ आपकी एक्सेलरेट कर रही है और एक्सेलरेट करने की वजह से इसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आता है, जैसे आप इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में देखना चाहते हो, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट आप अर्थ के ऊपर देख रहे हो, तो अर्थ पे आप जब दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हो तो हमें लगता है कि वो कैसा है, वो रेस्ट पे है। तो अर्थ आपके लिए जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए वो ऑब्जेक्ट कैसा है, इनर्शियल फ्रेम में आएगा। मतलब जहां से आपने ऑब्जर्व किया अर्थ से, वो आपकी इनर्शियल फ्रेम हुई। लेकिन अगर आप अर्थ के बाहर चले जाते हो तो अर्थ आपको घूमती हुई दिखाई देगी। तो जो ऑब्जेक्ट बाहर है, जो अब उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान लो मून पे आप खड़े हो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मून हो गए। तो मून के लिए वो ऑब्जेक्ट आपको, जो अर्थ पे ऑब्जेक्ट है, वो मूव करते हुए दिखाई देंगे, एक्सेलरेट करते हुए दिखाई देंगे। तो उस केस में आपका मून क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करें, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, और ये आपका वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है। वन डायमेंशन मतलब जैसे एक्स एक्सिस पे ही चलोगे, या फिर आप वाई एक्सिस पे ही चलते हो एक लाइन पे, या फिर आप जेड एक्सिस पे ही चलते हो, मतलब किसी एक एक्सिस पे आप चलोगे स्ट्रेट पाथ पे, तो इस मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम वन डायमेंशनल मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ेंगे, या वन डायमेंशनल मोशन इसको नाम देते हैं हम। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक रहता है ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? अ पॉइंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट स्टार्ट्स मूविंग, जहां से वो चलना शुरू करता है उसको हम नाम देते हैं ओरिजिन। ठीक है, इस केस में हम टाइम को भी जीरो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारी बात आती है पाथ लेंथ की। पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से समझनी है। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, आप एक्चुअली कितना चले हो उसको हम पाथ लेंथ कह देते हैं या डिस्टेंस कह देते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। इसमें आपको ये लेना देना नहीं है कि आप कितना चले हो, इसमें सिर्फ आप क्या चेक करते हो कि आप इनिशियली कहां थे और फाइनली आप कहां पहुंचे हो। ठीक है, दोनों की यूनिट आपकी मीटर रहती है। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई ए से लेके बी तक, और बी से आप वापस सी पे आ चुके हो। ठीक है, तो अब आप कहां से चले थे, ए से, और कहां पहुंच गए हो, सी पे। तो इस केस में डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ, आपने एक्चुअली कितना चला। तो मैं ए से पहले बी पे गया 4 किलोमीटर, फिर मैं बी से सी पे वापस आया तो 1 किलोमीटर, तो दैट मीन्स मैंने टोटल कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 4 + 1 = 5 किलोमीटर। इसको डिस्टेंस को हम जनरली एस से डिनोट करते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट में डेफिनेशन में आपको कहा ना कि इनिशियली आप कहां थे और फाइनली आप कहां हो, तो वो चीज मैटर करती है, डिस्टेंस मैटर नहीं करता कि आपने कितना मूव किया। तो इनिशियली मैं कहां था, ए पे, फाइनली मैं कहां पे हूं, सी पे। तो ए सी के बीच का डिस्टेंस अब कैलकुलेट किया जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ए और सी के बीच में कितना शॉर्टेस्ट पाथ है। तो आप देख सकते हो टोटल कितना है, 4, और बी से सी कितना है, 1, तो दैट मीन्स ए सी कितना हो गया, ए सी हो गया आपका 4 - 1 = 3 किलोमीटर।
तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ टोटल कितना चले, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कि आप पहले कहां थे फाइनली आप कहां हो, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके बाद हम बात करें इनके बीच में डिफरेंस की, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आपने जरूर लर्न करना है। डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसकी सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड आपके पास होगा, डायरेक्शन नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें आपके पास डिस्टेंस भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और साथ में आप डायरेक्शन भी बता रहे हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जब डायरेक्शन भी आपके पास हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, जब डायरेक्शन ना हो तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, आपका डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो और नेगेटिव हो सकता है। मान लो डिस्प्लेसमेंट में एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि आप घर से चले बाजार और बाजार से फिर घर पे वापस आ गए, तो अब घर में जब वापस आ चुके हो तो इनिशियली आप कहां थे, घर पे, और फाइनली भी आप कहां पहुंच गए, घर पे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उस केस में, जीरो हो जाएगा। और नेगेटिव भी हो सकता है, अगर और आप पीछे की तरफ चले जाते हो तो उसको हम नेगेटिव कह सकते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम इज एदर इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या तो बराबर हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, उससे छोटा कभी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकती है और छोटी हो सकती है, डिस्टेंस से बड़ी कभी नहीं हो सकती। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजिशन कैन हैव मेनी वैल्यूज, आपका डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज यूनिक, आपके दो पोजिशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा यूनिक ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी इसके बाद करने की जरूरत नहीं है, आप पांच डिफरेंस करोगे तो वो भी आपके काफी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड। स्पीड क्या है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ टू द टाइम टेकन, या इसको हम कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब एस अपॉन टी, तो डिस्टेंस क्या है मीटर और टाइम क्या है सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी मीटर पर सेकंड। फिर हम वेलोसिटी की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। अब वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे, और स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे। तो डिस्प्लेसमेंट आप वही सिंबल एस सी लेते हैं हम अपॉन टाइम, तो ये बन जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओपी, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड्स एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड्स, वेयर ओपी इज इक्वल टू 360 मीटर एंड ओ क्यू इज इक्वल टू 240 मीटर। व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ कार इज गोइंग फ्रॉम ओ टू पी एंड फ्रॉम ओ टू पी बैक टू क्यू। तो इसमें दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, पहले तो आपने ओ टू पी वाला सॉल्व करना है। तो ओ टू पी में हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितना है, 360 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में सेम है। अब ये देखो, आप बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हो तो एक ही डायरेक्शन में चलने पर आपका जो, अगर आप एक ही डायरेक्शन में मूव करते हो और डायरेक्शन चेंज नहीं करते हो, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम रहता है। ये चीज भी ध्यान में रखने वाली है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम रहते हैं, जब आप एक ही डायरेक्शन में मूव करते हो, ठीक है, टर्न नहीं करते हो। टाइम इसमें कितना है, 18 सेकंड्स। तो इस केस में जो आपकी स्पीड है, या एवरेज स्पीड भी हम इसको कह देते हैं, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा। डिस्टेंस कितना है, 360 बाय 18, 20 मीटर पर सेकेंड। वही वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि दोनों सेम है तो आपका रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। चेंज कहां आता है, चेंज आता है दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे पार्ट में, जब आप ओ टू पी गए और वहां से बैक टू क्यू आ गए, ठीक है। तो ओ से पी तक मैं कितना मूव किया, 360 मीटर, पी से क्यू आया, वो आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है, ओ टू क्यू। तो ओ टू क्यू अगर 240 मीटर है तो आप देख सकते हो पी क्यू कितना होगा, आराम से सोचो कितना होगा, इट इज 120 मीटर, किलोमीटर, मीटर है सॉरी, तो 120 मीटर आपका पी क्यू होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुआ, पहले ओ से पी 360, फिर पी से क्यू 120, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 360 प्लस 120 480 मीटर। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आप कर सकते हो अपने आप, ओ टू क्यू गिवन है आपको 240, लेकिन अगर नहीं भी होता तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब मुझे ये लेना देना नहीं है कि वो पी से घूम के आया है, मेरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि आप इनिशियली ओ पे थे और फाइनली आप कहां हो, क्यू पे। तो ओ क्यू कितना आ जाएगा, 240 मीटर। दोनों केसेस में टाइम सेम रहेगा, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगेगा, 24 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम
480 मीटर अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी में क्या लोगे आप, ओ क्यू वाला डिस्टेंस 240 अपॉन 24। तो इस केस में एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी और इसमें एवरेज वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड।